मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे कि इसका जो वीआरएम सेक्शन है उसका वोल्टेज यानी वी कोर वोल्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वी कोर वोल्टेज यहाँ पे कौन सा है और उसका जो कनेक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन है उसको। तो ये मेरे पास जो बोर्ड है ये एक एसओसी बोर्ड है, यानी इसके अंदर कोई ब्रिज नहीं है, ओनली प्रोसेसर है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेसर है और इधर पे ये आयो। तो आज हम लोग इसके इसका जो वीआरएम सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो वीआरएम सेक्शन मतलब क्या होता है, ये प्रोसेसर का मेन ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी कोर वोल्टेज। तो ये प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए जो मेन वोल्टेज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वी कोर। तो ये है हमारा वी कोर का सेक्शन। तो कुछ बोर्ड में क्या होता है ना, वी कोर के लिए दो कॉइल रहता है यानी डबल स्विचिंग होता है, और कुछ बोर्ड में सिंगल स्विचिंग यहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दो कॉइल है जो दोनों सेम साइज का है या सेम नंबर का है और पास में भी है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये दोनों कॉइल एक साथ कनेक्टेड है कि नहीं। अगर ये दोनों कॉइल एक साथ कनेक्टेड होगा तो ये दोनों ही हमारा वी कोर का सेक्शन होगा, और अगर दोनों अलग रहता है सेपरेट रहता है तो उस कंडीशन में ये हमारा वी कोर का होगा और इसको हम लोग बोलेंगे सीपीयू वीटीटी। तो सबसे पहले हम लोग जब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है वो थोड़ा सा हाई वैल्यू दिखा रहा है 39 कुछ, और यहाँ पे जब हम लोग दोनों को टच करते हैं तो ये 15 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, मतलब ये दोनों कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। तो सबसे पहले ये जो कॉइल है जो प्रोसेसर के पास में होगा वही होगा हमारा वी कोर का, और इस वी कोर के साथ यहाँ पे कुछ पोलर कैपेसिटर भी हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका लोकेशन कहाँ होगा ना, प्रोसेसर के पास, और इसका इनपुट का जो वोल्टेज है वो आएगा हमारा वी प्लस से। तो ये हमारा एडाप्टर का जैक है, तो यहाँ से वोल्टेज आके ये है हमारा वी प्लस का रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्टेज आएगा। तो चलिए हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारा वी प्लस पे वोल्टेज आके यहाँ पे दो चार कैपेसिटर हो सकता है, तो ये जो है ये 19 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो 19 वोल्ट का कैपेसिटर होके ये मॉस्फेट का ड्रेन पॉइंट पे यहाँ पे इन हो रहा है। तो ड्रेन में इनपुट होने के बाद ये वोल्टेज जो है ये आउट होगा मॉस्फेट का सोर्स से। तो इसका जो 1, 2, 3 नंबर पिन है ये तीनों है हमारा सोर्स। तो इस मॉस्फेट के सोर्स से आउट होके ये जाएगा एक दूसरा मॉस्फेट यानी बीजी मॉस्फेट का ड्रेन। तो देखिए ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो बीजी का जो चारों पॉइंट है ड्रेन वो टीजी का सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, और उसी पॉइंट के साथ हम लोगों को यहाँ पे ये कॉइल कनेक्टेड मिलेगा। तो यानी क्या हुआ ना, यहाँ से 19 वोल्ट का सप्लाई आउट हुआ, होने के बाद फर्स्ट यहाँ पे मॉस्फेट का ड्रेन में इन हुआ, फिर उसका जो सोर्स पॉइंट है तो ये टॉप गेट मॉस्फेट था, तो इसका सोर्स से आउट होके ये सेकेंड मॉस्फेट यानी बीजी या बॉटम गेट मॉस्फेट का ड्रेन में इन हुआ, फिर उसके साथ हम लोग का ये जो कॉइल है आउटपुट का ये कनेक्टेड है। तो ये कॉइल से वोल्टेज आउट होने के बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर था पोलर, तो उस कैपेसिटर के साथ ये कनेक्टेड होगा, और उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से प्रोसेसर में सप्लाई हो जाएगा। तो ये वी कोर का वोल्टेज यहाँ से ऐसे जनरेट हो रहा है। अभी हम लोगों को देखना होगा कि ये जो दोनों मॉस्फेट है टॉप गेट और बॉटम गेट, तो ये दोनों मॉस्फेट का गेट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मॉस्फेट का जो इनपुट होता है वो उसका ड्रेन में होता है, और जब तक उसको गेट पल्स नहीं मिलेगा तब तक वो वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा, और गेट पल्स सप्लाई करने के लिए उसको एक आईसी का जरूरत होता है। तो यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से इस आईसी का नाम होता है वीआरएम आईसी। तो ये दोनों मॉस्फेट तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे कुछ आईसी नहीं है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट पोर्शन में हम लोग सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है। अभी हम लोगों को कंफर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉस्फेट है इसका गेट के साथ आईसी कनेक्टेड होगा। तो चलिए हम लोग एक बार गेट के साथ इसका कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो ये इसका सोर्स था, तो ये चार नंबर पिन जो है ये इसका गेट पॉइंट है। तो ये चार नंबर पिन के साथ हम लोगों को आईसी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इस जगह पे ये कनेक्टेड दिखा रहा है। तो इस आईसी का इस साइड वाला जो पिन है, तो इस साइड का ये पिन के साथ ये कनेक्टेड है।
तो ये हमारा टॉप गेट यानी टीजी मॉस्फेट था। अभी हम लोग अगर डीजी का गेट के साथ कनेक्शन देखेंगे तो उसी आईसी के साथ हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये इसका गेट पॉइंट है, तो ये गेट पॉइंट के साथ हम लोग अभी कनेक्शन चेक करेंगे। तो जहां पे मिला था उसी के आसपास कुछ मिलेगा, तो देखिए उसका जस्ट थोड़ा सा पहले ही हम लोगों को ये कनेक्शन मिल चुका है। तो इसी आईसी के साथ हम लोगों का दोनों मॉस्फेट ही यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो फर्स्ट मॉस्फेट था यानी टॉप गेट मॉस्फेट, इसका गेट इसी आईसी के साथ कनेक्टेड है और बॉटम गेट मॉस्फेट का भी कनेक्शन इसी आईसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये है हम लोगों का वीआरएम आईसी। तो यहाँ से वीआरएम आईसी अगर गेट पल्स सप्लाई करेगा तब जाके ये मॉस्फेट ऑन होगा और यहाँ से हम लोगों का वोल्टेज आउट होगा। और अलग अलग बोर्ड में अलग अलग प्रोसेसर सपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से इस जगह से हम लोगों को 0.8 से लेके 1.8 वोल्ट के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज जनरेट होगा और प्रोसेसर को दिया जाता है। तो ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है और उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। और अगर हम लोग इस वीआरएम आईसी का इनपुट वोल्टेज देखेंगे तो ये आईसी जनरली हम लोगों का 5 वोल्ट सप्लाई से ऑन होता है। तो जो स्टेप डाउन सेक्शन होता है उसमें से हम लोगों को 5 वोल्ट का सप्लाई लिया जाता है और वो इस आईसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में ये वीआरएम आईसी अगर गेट पल्स नहीं देगा तो ये मॉस्फेट काम नहीं करेगा। तो ये था हम लोगों का इस बोर्ड का वीआरएम सेक्शन, और इस वोल्टेज का नाम होता है वी कोर वोल्टेज।